पर मैंने बहुत जल्दी देख लिया कि आम आदमी पार्टी इज नॉट द पार्टी ऑफ माई आइडियल्स ये मेरे आदर्श की पार्टी नहीं है जो यहाँ चला है जो जैसे चल रहा है जिस तरह पार्टी चल रही है कांग्रेस में तो आ, किसी बाकी पार्टी में तो जो आ, हाई कमांड कल्चर या वी कल्चर आने में दशकों लगे हैं डिकेड्स लगे हैं और यहाँ तो दो तीन साल में वो जलवा देख गया दो साल में जलवा देख गया तो मैं आई सेट गुड वाई मैं चौदह में सेलेक्ट हुआ इलेक्ट हुआ और पंद्रह फेबरवरी में मैंने इसको छोड़ दिया उसके बाद मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहा अपना डॉक्टरी के तौर डॉक्टर के तौर पर भी और समाज कार्यकर्ता के तौर पर भी आज जब राहुल जी ने ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू की तो क्योंकि मैं खुद राजनीतिक तौर पर मैं मेरे में भी हलचल चल रही थी उथल पुथल चल रही थी तो मैंने देखा कि आज ये समय नहीं है ये असाधारण समय है दे आर नॉट ऑर्डनरी टाइम्स दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी टाइम्स और इस समय जिस आदमी के दिल में जमहूरियत धरकती है सेकुलरिज्म है संविधान के प्रति आदर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इथोज हैं उसके लिए उसके मन में एक, एक, एक उसको उसको, उसको वो उसके साथ रहना चाहता है और जो राज जो संस्थाएं हैं लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनकी जो आज़ादी है उसको बरकरार रख देखना चाहता है और देश में सामाजिक न्याय की बात वो देखना चाहता है तो ऐसे समय में जब ये सब कुछ खतरे में हो और जब 2024 ना तो ये ऑर्डनरी टाइम्स हैं और ना दो का इलेक्शन ऑर्डनरी इलेक्शन है देश का इतिहास लिखे जाने वाला है देश ने किधर जाना है कौन सी दिशा अख्तियार करनी है कौन सी द, किस दिशा में जाना है वो एक बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन है तो ऐसे समय में मेरे जैसे लोगों के लिए जो जब से जवानी में पैर रखा है तब से ही वो एक ए, सोच 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 में सोचते रहे हैं तो चुप रहना साइड्स ना लेना या ठीक uh, साइड ना लेना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आई वॉन्ट टू बी सीन ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री इन दिस इन टू टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर इन द इन द कमिंग इलेक्शन मैं इतिहास के सही रास्ते और जो दुरुस्त रास्ता है उसकी साइड पर खड़ा होना चाहता हूँ आई एम विद कांग्रेस दैट्स आई एम विद कांग्रेस और जो देश की हालत है तो उसमें आप सब जानते हैं कि जो धार्मिक ध्रुवीकरण है उसका जो बोलबाला है जैसे देश को बांटा जा रहा है नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है जिसमें दो स्लोगन जो जिसने सबसे मुझे प्रभावित किया वो था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान और दूसरा था डरो मत जो देश में दहशत का डर का एक वातावरण पैदा किया था इस पर मौजूदा पोलिटिकल डिस्पेंसेशन है मौजूदा निजाम ने जो देश सहमा हुआ देश था सहमा हुआ विपक्ष था आम लोग सहमे हुए थे उसको जो डरा दिया डरो मत इट इफेक्टेड मी रियली और सात में लोगों ने डरना बंद कर दिया मौजूदा मुझ, सत्ता से तो ये दो तीन बात, दो बातें थी तो वैन जब राहुल जी ने जब कॉल दिया कन्या आई रीच कन्याकुमारी स्टेड देयर फॉर टू डेज फिर मैंने पंजाब में ज्वाइन किया जम्मू कश्मीर में वहाँ तीन दिन रहा मैं कश्मीर में आई फ्रॉम स्टार्ट टू एंड आई वॉज इमोशनली फिजिकली एसोसिएट विद भारत जोड़ो यात्रा एंड देन भारत जोड़ो न्याय यात्रा अगेन इन डिफरेंट फॉर्म्स सो so, ये सारा कुछ एक थोड़ा प्रसंग है तो देखो एक तो मैंने पहले बोला है कि जो रिलीजियस पोलराइजेशन है जो समाज को बांटने वाली है देश को तोड़ने वाली है दैट हैज टू बी फॉट और मैं कहता हूं कि दिस इज ए वॉर विच हैज टू बी फॉट एंड आई एम गोइंग टू फाइट दिस वॉर इलेक्शन नो इलेक्शन एम पी नो एम पी टिकट नो टिकट दैट नॉट द क्वेश्चन एट ऑल इट वॉज नेवर फ्रॉम माई चाइल्ड हुड टिल डेट नाउ ये आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के समय था और नाजे आज है आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर टू मीडिया पीपल एंड टू द कांग्रेस पार्टी ऑल्सो आई एम कांग्रेस नीड मी आई नीड कांग्रेस बिकॉज आई हैव समथिंग इन साइड मी विच इज बर्निंग एवरी टाइम कि देश किधर जा रहा है मैं जब पैदा हुआ था मैं किस हवा में पैदा हुआ था और आज जो हवा है वो कैसी हवा देश में चल रही है दिस इज बट दिस इज बट गांधी इज दिस इज बट धर्मवीर इज So, ये माहौल है रिलीजियस पोलराइजेशन का माहौल है जो सेफरनाइजेशन किया जा रहा है जो, जो, जो सोशल फैब्रिक है जो तोड़ा जा रहा है उसको नष्ट किया जा रहा है और जो धार्मिक ध्रुवीकरण है ये जितना बड़ा खतरा है और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जो आर्थिक विषमता है वो आसमान छू रही है अब कोई किसी वक्त ना कि गरीब और अमीर का एक कोई प्रपोर्शन हुआ करती थी इन डिस प्रपोर्शन पता ही नहीं है कि अडानी के पास कितना पैसा चला गया है पता ही नहीं कि हिंदुस्तान के 200 सौ परिवारों के पास कितना पैसा है और बाकी 70 अस्सी परसेंट लोग किस हाल में जी रहे हैं जो जो आर्थिक विषमता है और जितना बड़ा ये सवाल है और जिसको अक्सर हम दो हमारे दो के साथ राहुल जी ने बड़ा टाइमली और जब लोग लोगों ध्यान तरफ नहीं था जो स्लोगन खड़ा किया था तो वो इट वॉज ए वेरी इंडिकेटिव वेरी डिस्क्रिप्ट स्लोगन था आई वॉज क्वाइट इंप्रेस्ड विथ दैट ऑल्सो एंड 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 थर्डली कंप्लीट सेल आउट ऑफ द नेशनल एसेट्स जो लोगों की संपदा है जिसमें मेरे बाप का हिस्सा है रेलवे में मेरे पिताजी टीचर थे हमारा हिस्सा है मेरा हिस्सा है देश की संपदा में उस संपदा को जिस तरह कॉड़ियों के भाव बेचा जा रहा है कॉरपोरेट सेक्टर को दैटोटली अनएक्सेप्टेबल नॉट ओनली फॉर मी एंड फॉर एवरी दैट पर्सन हु हैज स्टेक इन दिस कंट्री जिनका स्टेक है इस देश में इस देश के भविष्य में इस देश के अब सियासी आबो हवा हाँ में भी और दूसरी दूसरी तरह भी तो और ये पोलिटिकल जो से, जो सेल आउट है वो एक मेरे लिए बड़ा बड़ा मुद्दा है और राजनीतिक तानाशाही जो एक तानाशाही की जो देश में पैदा कर दिया है जिसको राहुल जी ने डरो मत से उसको चैलेंज किया है उसको एक डायरेक्शन दिया है और जो देश का जो नैरेटिव है पॉलिटिकल नैरेटिव है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो बदला है और भारत जोड़ो न्याय यात्रा से उसको और एक पहले वो एक नैरेटिव बना फिर उसको उसको, उसको उसकी इकोनॉमिक जो एजेंडा है जो जो इंसाफ की बात आई उसमें तो ये सभी दोनों मिलकर भारत जोड़ो यात्रा पार्ट वन एंड पार्ट टू दोनों का एक ऐतिहासिक एक योगदान है देश के जो आज की मौजूदा हालत है उसके बदलने में और इंडिया लाइंस को जो आवाज मिली है जो आवाज दी गई है जो उस और जो जो साहस किया है विपक्ष ने अलग अलग विपक्ष ने अनेकों बातों के बावजूद उसमें बहुत बड़ा योगदान जो राहुल गांधी जी ने खड़े होकर चट्टान की तरह चट्टान की तरह खड़े होकर जो मुकाबला किया है जो पॉलिटिकल डिस जो राज जो मौजूदा सत्ता थी उसका बहुत बड़ा योगदान है तो मैं उससे भी प्रभावित रहा तो अगेन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि दीज आर नॉट ऑर्डनरी टाइम्स एंड ट्वेंटी फोर इज नॉट द ऑर्डनरी इलेक्शन एंड बी ये जंग है जो हम लड़ेंगे और हर हालत में लड़ेंगे पूरे जोर से लड़ेंगे और उसके बाद जो अंत में जो जो मैं मैं जो आपसे आप कहना चाहता हूँ कि जो 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 संस्थाएँ हैं जिनके ऊपर जो आधार है हमारी डेमोक्रेसी का चाहे वो ईडी हो चाहे वो सीबीआई हो चाहे वो कैग हो चाहे वो जुडिशरी हो चाहे वो ए, मीडिया हो जिस तरह उन उनका हनन हुआ है उनकी जो प्रभुसत्ता है उस पर हमला हुआ है उनको पॉकेट ऑर्गेनाइजेशन बना कर भारतीय जनता पार्टी चल रही है दिस इज नॉट अगेन एक्सेप्टेबल इन एनी डेमोक्रेसी नॉट एट ऑल हमने हम लोगों ने अब खुली हवा में सांस पैदा हुआ मैं में और मैं खुली हवा में मरना चाहूंगा मैं डॉक्टर हूँ मेरे माई साइंस सेज माई लॉजिक सेज माई सेंस ऑफ आर्गूमेंट सेंस ऑफ रीजनिंग सेज कि जो चल रहा है वो गलत है एंड आई विद कांग्रेस वेलकम बहुत, बहुत

आई फील कि मोर देन ए डॉक्टर आई a ड्यूटी towards my पीपल towards फ्यूचर जनरेशन हम आने वाली नस्लों के लिए जवाबदेह हैं मैं जवाब दे हूँगा नस्लों के लिए कि जब देश को इस तरफ ले जाया जा रहा था बांटा जा रहा था लड़ाया जा रहा था तबाह किया जा रहा था बेचा जा रहा था तो गांधी कहाँ था और गांधी इतिहास के इस इस मोड़ पर हिस्ट्री के सही पास से खड़ा होना चाहता है थैंक यू वेरी मच आपके शब्दों ने हमारे को बहुत प्रेरणा दी और इस जज्बे का स्वागत है इस जज्बे की जगह कांग्रेस पार्टी में हमेशा है थी और रहेगी बहुत बहुत धन्यवाद अब आपके बहुत सवाल सर, सर, सर। बहुत अच्छे डॉक्टर आपने आपने पार्टी की विचारधारा को देखा समझा और आपका मोह भंग हो गया यस सर आप तो डॉक्टर भी हैं शिक्षाविद भी हैं हाँ जी आपसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई पहचानने में और अगर अगर आपने अपने आप को करेक्ट कर लिया है कांग्रेस में आके हाँ तो पंजाब के जीते हारे सभी लोगों को कांग्रेस ज्वाइन करने की अपील करेंगे आप देखो मैं तो कहूँगा जो भी राइट्स थिंकिंग पर्सन है जिसको जिसके दिल में डेमोक्रेसी है सेकुलरिज्म है प्लूरलिज्म है जो जो, जो संविधान है जो, जो सोशल जस्टिस है सबको कांग्रेस ज्वाइन करनी चाहिए बिकॉज दिस इज द ओनली पार्टी विच अलॉन्ग विद द रीजनल पार्टी विद ऑल देयर लिमिटेशन हैज़ द पोटेंशियल टू आउट दिस गवर्नमेंट टू डिफीट दिस गवर्नमेंट मैं तो कहूँगा सबसे नंबर वन नंबर टू मैं मैं कैसे ए, मार कैसे खा गया कहें मैंने मार नहीं खाई ऐसे इतने इतने घाट लोगों ने मार खाई और देश में हजारों लाखों लोगों को लगा कि देखो ये तो, तो नई हवा का झोंका है ठंडा झोंका आया है और जो हम वेट कर रहे थे इनकलाब आ गया कि नई राजनीति की शुरुआत होने वाली है एक स्वच्छ राजनीति की पारदर्शी राजनीति की जवाबदेह राजनीति की वो लोगों ने दोगा खाया तो मैंने भी खाया पर मैंने वो सबसे पहले पंजाब में मैंने करेक्ट किया मैं फरवरी दो जो पहली एनसी की पीटिंग हुई प्रशांत जी और जोगिंदर जी को इन्होंने बड़ा बड़ा ही मतलब उनको जलील करके बाहर निकाला मेरे को कुछ नहीं बोला था आई वॉज सीएलपी मैं कांग्रेस का लीडर था मैं आम आदमी पार्टी का लोकसभा में कांग्रेस yes. मैं आई वॉज लीडर ऑफ द पार्टी इन लोकसभा मेरे से अरविंद जी कोई लड़ाई नहीं हुई आई एम नथिंग टू से ऑन पर्सनल ग्राउंड विद हिम बट जिस तरह उसने जलील किया और और परेशान और औस्टर किया तो जो इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी का जिसकी मेरे मन में बड़ी था कि यहाँ बात बात सुनी जाएगी बात कही जाएगी हम लोग मिलकर नया हिंदुस्तान बनाएंगे वो सपना टूट गया एंड आई सेट गुड बाई इन फेबर टू थाउजेंड में चुन किया है मैं मई चौदह में पंद्रह फरवरी में निकल निकल गया बाकी लोगों को निकाला गया है पंजाब में ਸਰ 15 ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਕਿਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਮੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾ ਜਿੰਨਾ بڑا ਕੰਟੈਕਸਟ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨਾ بڑا ਕੰਟੈਕਸਟ ਅੱਜ ਦੀ ਜਾਇਨਿੰਗ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਰੂਸਾ ਥਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਪਲੇਸ ਫਾਰ ਥੈਮ ਨਾ 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 ਸਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨਹੀਂ 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 ਮੈਂ

I don't want डॉट वट लाइफ इन कांग्रेस Congress, Congress for कांग्रेस में डिफरेंट रीजन फॉर हिस्टोरिकल रीजन्स डॉक्टर साहब अरे हो गया डॉक्टर एक, एक। साहब आपने कहा है कि आपके कांग्रेस में आने का टिकट या लोकसभा चुनाव से लेना देना नहीं है लेकिन हाँ। अगर आप जैसे शख्स को अब जब कांग्रेस लेकर आई है आपको अगर कांग्रेस लोक पटियाला से लड़ने की जिम्मेदारी देना चाहती है तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं देखिए अगर कांग्रेस बच्चे समझती है कि मैं मेरे को महारानी प्रनीत कौर जो कैप्टन साहब के वाइफ हैं और, और जहाँ जिनसे पहले मेरा मुकाबला हुआ था कि आई एम द राइट काइंड ऑफ पर्सन टू 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 हर एंड फीट आर नॉट बिकॉज शी इज महारानी एंड आई हैव डन इट ऑलरेडी बिकॉज शी इज इन बीजेपी शी इज शी इज विद पॉलिटिक्स विच इज़ एंटी पीपल एंटी कंट्री एंटी डेमोक्रेसी एंटी विच आई डोंट लाइक आई विल डिफीट आर नॉट एज एज महारानीत डिफीट एज एज ए बीजेपी कैंडिडेट आप तैयार हैं, लड़ाई के लिए आप तैयार हैं। मैं कहता जंग है जो लड़ूंगा और लड़ी जाएगी एक सवाल और आपकी परमिशन से आपने कहा कि आप इतिहास में सही सही जगह पे खड़े right, होना चाहते हैं वेरी राइट right. तो जो आपकी पुरानी पार्टी थी आम आदमी पार्टी और उसके नेता अरविंद केजरीवाल यस yes. वो इतिहास में आज कहा खड़े हैं आपके मुताबिक क्योंकि दिल्ली में उस पार्टी से आपकी पार्टी का गठबंधन है और पंजाब में आप लोग आमने सामने लड़ रहे हैं आज अरविंद केजरीवाल जुडिशियल कस्टडी यानी जेल में चले गए हैं लेकिन अभी भी वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने हुए हैं क्या आपको लगता है कि उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा देना चाहिए देखो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की इंटेंशन पे इंडिया अलायंस में आने के उनके मकसद उनकी उनकी, उन, उनकी जो आइडिया है उस पर अनेकों आशंकाएं होने के बावजूद हिस्ट्री में ऐसे मुकाम आते हैं जब जहां आपको बड़े बड़ी बातें छोड़नी पड़ती है भूलनी पड़ती है पीछे धकेलनी पड़ती है समारने पर वो सब कुछ देखा जाएगा हाँ जी यस राइट सर

आज आपने देखा होगा कि रात को कुछ लोग ज्वाइनिंग करते हैं और सुबह बीजेपी की टिकट ले लेते हैं और जिस प्रकार से उनको लाया जाता है वो भी आप जानते हैं और जिन भावनाओं के साथ गांधी जी ने कहा है मेरे को लगता है कि हमें ऐसे लोगों की जरूरत थी ऐसे नए पंजाब की और ऐसे मेरे को, not, मेरे को गांधी साहब से हम लोग पंजाब मैं नहीं हूं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रेरित थे क्योंकि उनका व्यक्तिगत जो काम करने का तरीका लोगों से आने जाने का तरीका जिस तरीके से वो सोशल वर्क करते हैं और ना कुछ चाहते हुए दैट्स अ वेरी आई थिंक अच्छी बात और मेरे को लगता है कि इनके आने से पार्टी में बहुत uh, और मजबूती आएगी लोग ये समझेंगे क्योंकि पता क्या है आज जो ज्वाइन करके चले गए बहुत ट्रोल कर रहे हैं कुछ तो ऐसे थे जो आम आदमी पार्टी में चले गए छह महीने पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी ने टिकट देके एमपी बना दिया फिर बीजेपी ने अभी टिकट दे दिया वो छह महीने बाद बीजेपी में आ गए आज पंजाब के अंदर लोग अच्छे लोगों को ढूंढ रहे हैं लोगों का ये ये मानना है कि ये बहुत जो गंदी राजनीति हो गई है जिस प्रकार से बीजेपी और ये लोग कर रहे हैं कि इधर आए इधर आए तीन तीन बार पार्टियां लोग बदल गए लेकिन लोग ऐसे चेहरे चाहते हैं लोग गांधी जैसे गांधी साहब जैसे लोगों को पसंद करते हैं और बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि आई एम नॉट हियर फॉर द टिकट मैं सेवा करने के लिए आया हूं मैं भावना से आया हूं डरो मत का नारा सुन के आया हूं मोहब्बत की वो नफरत की दुकान में मोहब्बत की दुकान खोलने का नारा के वो आया हूं सो थैंक यू पवन सर सवाल मेरा आपसे है आ, लगातार इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आप लोग बोलते आए हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो बीजेपी की लाई हुई एक स्कीम है तमिलनाडु के एक चैनल